हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड्स द कोरस्पोंडिंग अल्कोहल एंड एसिड। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। बेसिकली जो हमारे कैनिज़ारो रिएक्शन है उसमें होता क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड विद 50% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन फॉर्मिंग अ सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है उसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन है हमारे पास, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंडर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगी इसमें साइमल्टेनियसली। एक में कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरे में रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये क्या करता है, एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो हमने चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या गिवन है, CH3 CH2 CH2 CHO। बेसिकली ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसको अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास कार्बोनल ग्रुप और H, और यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है। तो इसके साथ वाला कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो ये हमारा कंपाउंड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन के अंडर प्रोसीड नहीं करेगा। सो ऑप्शन बी हमारी इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो सी ऑप्शन में हमें कीटोन गिवन है, प्रोपेनोन है जो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बनिल ग्रुप है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है और इस साइड भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। इस अल्फा कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। तो बेसिकली इसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन के अंडर नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या गिवन है, C6H5 CH2 CHO। जो हमारी डी ऑप्शन है वो क्या है, C6H5 CH2 CHO। तो इसमें भी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन हुआ और इसके पास भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। तो इसके पास भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी 2। तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन के अंडर नहीं जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन बनती है, ए। ए चेक कर लेते हैं हम। ए में हमें गिवन है C6H5 CHO। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हमारे पास ऐसे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो अगर हम देखें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके साथ वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ है, एक ऊपर वाले, तो 3 तो कार्बन के साथ है। दूसरा जो चौथा बॉन्ड है वो भी कार्बन के साथ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चारों बॉन्ड इसके किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो इसका मतलब जो हमारा C6H5O है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
तो ये किसके अंडर जाएगा? कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, C6H5CHO है जो 50% NaOH बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ये C6H5CH2OH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, प्लस C6H5COONa, तो ये हमारा सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें बेसिकली क्या बना है, अल्कोहल एंड एसिड, बट कंडीशन क्या है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है हमारी, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।